थिरकती आंखें और चंचल शोक अदाएं, दिल की भावनाओं को आईना दिखाता मुस्कुराता चेहरा, अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के कारण बॉलीवुड के चर्चित अदाकारों में शुमार गीता बाली, जिन्होंने उस दौर में जब आंखों के आंसू नायिकाओं की पहचान थी, अपने हल्के फुल्के मस्ती भरे अंदाज से अपने अल्प जीवन काल में ही चाहने वालों के दिलों में खास जगह बनाई, जो कभी अपने बलबूते गारंटी मानी जाती थी फिल्मों की कामयाबी की। जन्म 30 नवंबर 1930 को ब्रिटिश कालीन भारत के पंजाब के सरगोधा, जो पाकिस्तान में है, एक सिख परिवार में हुआ था। इनका परिवार अमृतसर फिर आ गया। पिता पंडित करतार सिंह दार्शनिक प्रवृत्ति के थे और मजहबी प्रचारक थे। बड़े प्यार से उन्होंने बचपन में नाम रखा था हरकीर्तन कौर। इनकी दादी ने लड़कियों में शिक्षा के प्रचार के लिए सिख कन्या महाविद्यालय की नींव रखी थी। हालांकि इनके पिता की आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी स्कूली पढ़ाई के अलावे शास्त्रीय नृत्य, घुड़सवारी, गायन जैसी कला में इन्हें प्रशिक्षित किया गया। अक्सर ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों में ये हिस्सा लिया करती थी। इनके बड़े भाई दिग्विजय सिंह बाली ने फिल्म निर्माण किया था, तो बड़ी बहन हरिदर्शन कौर भी जुड़ी हुई थी फिल्मों से। ऐसे माहौल में मात्र 12 वर्ष की उम्र में बतौर बाल कलाकार इन्होंने फिल्म द कॉबलर में भूमिका निभाई। एक नायिका के रूप में 1946 में केदार शर्मा की फिल्म बदनामी से इन्होंने दस्तक दी। इसके बाद तो वे केदार शर्मा की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। उनके द्वारा निर्देशित भारत भूषण के साथ सुहागरात, नेकी और बदी, जिसमें मुख्य नायक वे स्वयं थे, और राज कपूर के साथ बावरे नैन। एवं मी कपूर के साथ रंगीन रात। जैसी फिल्मों में अपनी अदायगी का जलवा दिखाया। 1949 में दुलारी, चांदनी आई बन के प्यारो साजना, ओ साजना, लागी मेरे दिल पर कटार, ओ साजना। और बड़ी बहन, में उनकी भूमिका को सराहा गया। भगवान दादा की कॉमेडी फिल्म अलबेला में उनकी भूमिका को लोग आज भी नहीं भूल पाते हैं। गीता बाली की सबसे अच्छी ऑन स्क्रीन जोड़ी देवानंद के साथ रही, जिनके साथ उन्होंने निशाना बाजी, जाल, रात ये चांदनी फिर कहा, सुन जा दिल की दास्तां, मिलाप, फरार, फेरी और पॉकेट मार, सहित कई सफल फिल्मों में काम किया। भारत भूषण के साथ भी उनकी जोड़ी पसंद की गई। सुहागरात के अतिरिक्त भाई बहन, कवि, आनंद मठ जैसी फिल्मों में दोनों ने साथ स्क्रीन साझा किए। बंकिम चंद चटर्जी की कहानी पर आधारित देशभक्ति फिल्म आनंद मठ में उनका अभिनय यादगार रहा। पृथ्वीराज कपूर इसमें मुख्य भूमिका में थे।
गीता दत्त के खास मुरीद थे गुरुदत्त, जिनके साथ फिल्म बाज में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। इसी तरह अशोक कुमार के साथ इंस्पेक्टर, सोहराब मोदी के साथ जेलर, जॉनी वॉकर के साथ अजी बस शुक्रिया, सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, प्रीत जगाए हमें नींद नाए रे, नींद नाए रे। अजीत के साथ ऐतिहासिक फिल्म बारादरी, राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म वचन, हाथ में हाथ निभाना साथ मेरे सजना, देखो जी हम छोड़ने जाना। और शम्मी कपूर के साथ मिस कोका कोला जैसी फिल्मों में गीता बाली ने अपनी अभिनय प्रतिभा से रूबरू कराया। शम्मी कपूर के साथ गीता बाली की मुलाकात केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें के सेट पर हुई। तब तक गीता बाली फिल्मों में अपना पांव जमा चुकी थी, जबकि कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद शम्मी कपूर संघर्ष कर रहे थे। ये फिल्म उन्हें गीता बाली की सिफारिश पर ही मिली थी। नैनीताल के रानीखेत में आउटडोर शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ी और केदार शर्मा की तीखी नज़रों के बीच शुरू हुआ दोनों के मुलाकातों का सिलसिला। बम्बई पहुँचने तक दोनों का रोमांस परवान चढ़ चुका था। शम्मी शादी तो करना चाहते थे मगर राहें आसान न थी। एक तो गीता बाली उम्र में बड़ी थी, उस पर आनंद आश्रम में पिता पृथ्वीराज कपूर और बाबरी नैन में बड़े भाई राज कपूर की नायिका रह चुकी थी गीता बाली। पारिवारिक सहमति भी मिलना मुश्किल था। उलझन में पड़े शम्मी कपूर के लिए समाधान सुझाया मित्र जॉनी वॉकर ने। उन्होंने मस्जिद में निकाह किया था और शम्मी को मंदिर में शादी कर लेने को कहा। जब 23 अगस्त 1955 की रात शम्मी कपूर ने शादी का प्रस्ताव रखा, गीता बाली ने तुरंत शादी कर लेने को कहा और 24 अगस्त 1955 को बम्बई के वाणगंगा मंदिर में पुजारी हरिवालिया की उपस्थिति में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। कहते हैं जल्दबाजी में सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही लाना वे भूल गए थे। आखिरकार गीता बाली के पर्स में मौजूद लिपस्टिक से ही शम्मी कपूर ने उनकी मांग भर दी। कपूर खानदान की सख्ती के बावजूद गीता फिल्मों में काम करती रही। 1961 में जीपी सिप्पी की फिल्म में मिस्टर इंडिया में उनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। मगर जाने किसकी नजर लगी कि अचानक ही गीता दत्त चेचक से पीड़ित हो गई और अंततः 21 जनवरी 1965 को मात्र 34 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।